जी स्कूल ठसका मीरा जी। अच्छा ठसका मीरा जी, इतना नाम ठीक है। उस वक्त जो आपको उस्ताद लोग पढ़ाया करते हैं, उनके जरा नाम याद होंगे? हाँ नाम याद बताओ जी प्लीज। नाम लिखो जी, मौलवी इमाम शाह हेड मास्टर। अच्छा हाँ जी। दूसरा? दूसरा फैज मोहम्मद। अच्छा। सेकंड मास्टर जी। तीसरा? तीसरा मेहरबान खान। मेहरबान खान, वाह। तीन जी, एक मिल्खी राम, वो हिंदू थे लाडवे के। अच्छा अच्छा, आपके साथ जो पढ़ते थे छोरे, उनके नाम बता दो। उनके जी एक तो लड़का था जी फैज, वो था जी फजले हक। अच्छा, फैज फैज क्या करते? फजले हक। फजले हक, वाह। एक था जी अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। एक रहीम खान। अच्छा, तीन लड़के के नाम याद है। अच्छा, घबराए करते आज इतने हिंदू मार दिए, इतने हिंदू मार दिए, और ये बड़े खुश हो करते यहाँ मुसलमान। अच्छा, तो वो जो सूफी था उसने फिर एक दिन कहा गांव इकट्ठा करके छह आदमी, उसने कहा खुश था मनाओ, मुसीबत तो सारे पर भी पड़ने वाली है। उसका आठ दिन पहले ब्याह था, मेरा आठ दिन पीछे ब्याह था। अच्छा। संताली में शादी हमारी इकट्ठी हुई थी। तो ये कहाँ बस गया जो आपका जमाती मास्टर का छोरा था? सुल्तान, शहर सुल्तान, सरगोधा। आपके हिसाब से चिट्ठी आखिरी कब आई थी? इसी की उसकी जफरुल्ले की चिट्ठी आई है, मेरा ख्याल का 53 में आई चिट्ठी। इसके साथ 53 के बाद कोई चिट्ठी नहीं आई। तो जिस वक्त 5 ना बाबू जी याद करा दिया था, हमने टाइम में रोटी नहीं खा सकते। अरे नहीं नहीं नहीं, मन देखी लड़कियाँ लंबी। ओहो अच्छा। उन्होंने ऑर्डर कर दिया मिलिट्री के अफसर ने, 10 के अंदर गाँव खाली कर दिया। सत श्री अकाल जी, सलाम अलैकुम, राम राम, नमस्ते। मैं हाँ थोड़ा अपना केशव मुल्तानी, लेकिन अज का जोड़ा इंटरव्यू है वो मैं पंजाबी च नहीं, उर्दू च नहीं, हिंदी च करने की कोशिश करांगा, क्योंकि मेरे नाल जड़े बुजुर्ग हैं। ईसर चंद जी, ईसर चंद जी इस टाइम हरियाणा ठसका मीरा जी एक जगह है कुरुक्षेत्र दे, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, इस दे बारे मैं तुहानू पहले दस चुका, तो इत्थे मैं आ भी चुका, तो उत्थे ही मैनू इस इंटरव्यू दे जिहड़े मीडियोकर हैं वो हैं इस गांव दे सरपंच दिलबाग सिंह गुराया जी, उन्हां दे थ्रू मैं इन्हां दे तक पहुँचा। तो यह वो शख्स हैं जिहड़े ना कित्थे गए ना कित्थों आए, मतलब है कि इन्हां शुरू तो ही इत्थे हैं, इन्हां ने जिहड़ा बंटवारा वेखा है, जिहड़ी वंड वेखी है वो इत्थे ही बह के वेखी है, इन्हां ने लोकां नूं आंदे होए वेखा है, जांदे होए भी वेखा है। तो एक बहुत ही कमाल दी शख्सियत, तो असी गलबात दा आगाज़ करते हैं। ईसर सिंह जी, आप इस गांव में रहा करते, ये आपने पहले बता दिया, ये बताओ जो बंटवारे का टाइम था वो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र उस वक्त 16 थी। 16? अब 16 का बच्चा तो मेरे ख्याल से 8वीं 10वीं में पढ़ता होता होगा। 8वीं मैंने 1946 में कर ली थी ना। अच्छा। 47 में। 47 में आपने 8, अच्छा 45 में आपने 8वीं कर ली थी। ईसर सिंह जी, आप इस गांव में थे, इस गांव के अंदर कौन कौन सी बिरादरियां रहा करती? इस गांव के अंदर जी ज़्यादातर वो राजपूत थे। अच्छा। थे अपने आप को, ठीक है, तो वो थे मुसलमान। थे मुसलमान, ठीक है। मुसलमान ज़्यादा आबादी, सबसे ज़्यादा आबादी उन्हें के थी। अच्छा। तो हिंदू सबके भी लोग थोड़े थे, ठीक है, पानिए भी थे, ठीक है। हम जो चुमार हैं हरिजन कहाँ भी, तो पहले चुमार कहाँ थे, ये भी थे, वाल्मीकि भी थे, ये भी, लेकिन ज़्यादातर वो थे मुसलमान। मुसलमान थे, ठीक है। और यहाँ का जो सूफी अब्दुल हमीद वो MLA था। अच्छा। और मुस्लिम लीग के टिकट से वो
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲੇ ਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਥਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਜ ਤੋ ਯੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਮੇਂ ਆਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਮੇਂ ਆਇਆ? ਉਸ ਵਕਤ ਕਰਨਾਲ ਮੇਂ ਥੇ ਹਮ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਰਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੇਂ ਆਇਆ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 46 47 ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰੇਂ, ਆਪ 14-15 ਸਾਲ ਕੇ ਥੇ, ਆਪਨੇ ਬਤਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੋ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਜਹਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਕਹਾਂ ਥਾ? ਇਸੀ ਗਾਓ ਮੇਂ ਥਾ? ਇਸੀ ਗਾਓ ਮੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਭੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਮ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। तो वो स्कूल का नाम बताओ जरा आप। बस वैसे तो मिंडल हाई स्कूल, अच्छा, मिंडल स्कूल, मिंडल स्कूल ठसका मीरा जी। अच्छा, ठसका मीरा जी, इतना नाम। ठीक है, उस वक्त जो आपको उस्ताद लोग पढ़ाया करते हैं, उनके जरा नाम याद होंगे? हाँ, नाम याद बताओ जी प्लीज। नाम लिखो जी, मौलवी इमाम शाह हेड मास्टर। अच्छा, हाँ जी। दूसरा? दूसरा फैज मोहम्मद। अच्छा, सेकेंड मास्टर जी। तीसरा? तीसरा मेहरबान खान। मेहरबान खान, वाह। तीन जी, एक मिल्खी राम, वो हिंदू थे लाडवे के। अच्छा, और ये चार मास्टर ही थे स्कूल में? नहीं जी, मास्टर छः सात थे। अच्छा अच्छा, तो दो तीन नंग नाम, दो तीन नंगे नाम। अच्छा, आपके साथ जो पढ़ते थे छोरे, उनके नाम बता दो। उनके जी, एक तो लड़का था जी फैज, वो था जी फजल हक। अच्छा, फैज फैज क्या करते? फजले हक। फजले हक, वाह। एक था जी अब्दुल्ला। अच्छा, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। एक रहीम खान। अच्छा, तीन लड़के के नाम याद है। ये आपके साथ आठवीं क्लास में पढ़ा? आठवीं क्लास में तीन लड़के, हम एक हमारी बरादरी का था सुंदरलाल, ठीक है, एक जगन्नाथ था बाणिया का लड़का, ठीक है। अच्छा जी, एक चरणजी लाल मिस्त्रियों का लड़का था। अच्छा, ये इतने तो नाम है याद है? ना ना, बहुत हैं जी, इतने नाम, इतने नाम बहुत हैं। और मतलब आपको इस उम्र में इतने नाम याद हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बड़े अच्छा लग रहा है कि आपको अपने बचपन के दोस्तों के नाम याद हैं। तो ये कच्ची पक्की में साथ पढ़ाया करते या आठवीं में ही? आठवीं में साथ थे जी। अच्छा, आठवीं में। अच्छा, वक्त हमारे इम्तिहान भी शाहबाद मारकंडा हुए थे। अच्छा, तो हम तो शाहबाद में ही तो बैठे, बस ये हो रहा है शाहबाद। शाहबाद में बैठे आप? बस ये रहा शाहबाद। हाँ। अच्छा, इसके आसपास और कौन कौन से गांव है वो भी बता दो। इस्माइलाबाद। इस्माइलाबाद, मेगी माजरा। मेगी माजरा, मेगी माजरा, ठीक है जी। जलबेड़ा। जलबेड़ा, ठीक है जी। रोटी। रोटी, हाँ। अच्छा, झांसा। झांसा, हाँ जी। ठोल। ठोल, रोशनपुर। रोशनपुर, अच्छा जी। और अजराना भी है ना? अजराना थे। अच्छा, अजराना, ठीक है। अजराना खुर्द, एक अजराना कला, कला है। हाँ, अजराना खुर्द, अजराना कला, ठीक है। तो उस टाइम आपके जो पिताजी थे, आपके जो बुजुर्ग थे, वो काम क्या किया करते? ये जुत्ती जोड़ा बनाने का काम कर। अच्छा, हरकरण उनका नाम था, मेरे पिताजी का नाम हरकरण। हरकरण, हाँ, ठीक है। और उस वक्त इस गांव की आबादी कितनी थी? आबादी तो बहुत ज़्यादा थी जी, यानी छः नंबरदार थे गांव के, छः पट्टी का गांव था। अच्छा, छः नंबरदार थे। तो आप जिस तरह से इस गांव का नाम मशहूर है ठसका मीरा जी, तो जो ये मीरा जी है उस वक्त भी इतना मशहूर था? बहुत ज़्यादा मशहूर था। अच्छा, उस वक्त तो दोनों टाइम लंगर बना था वहाँ। अच्छा, मीरा जी में, और 24 साल की खेती थी उस जमाने में उनकी। कमाल है। हाँ, 6,000 बीघे मुगलिया खानदान की जमीन थी इनके पास। अच्छा, मुगलिया खानदान का अकबर बादशाह खुद यहाँ आया। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद औरंगजेब भी आया। वाह वाह वाह। इनका भीखम शाह का जन्म है सियाणे का। अच्छा, ये सियाणा है इसके पास, बेबे के पास। ठीक है, वहाँ का जन्म है। हाँ, ये 14 साल में यहाँ, 14 साल की उम्र थी जिस वक्त ये यहाँ आए गए थे। यहाँ जारा गांव के अंदर इनका, जहाँ बैठ कर तपस्या करी है इन्होंने। अच्छा, कमाल है। वो मज़ार भी हम जरूर देखेंगे जहाँ उन्होंने बैठ कर तपस्या करी है। अच्छा, जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मदिन हो, जन्म होया रात को, तो सुबह 4 बजे नमाज पढ़ी। ठीक है। इन्होंने इधर मुँह कराया। ठीक है। जन से वो 4-5 आदमी पास थे ना। हाँ हाँ। वो कहने लगे, भिखा जी आप मुँह इन्हों कर लिया, दिमाग खराब हो गया। हाँ। मक्का तो हमारा इधर है। मक्का तो इधर है, ठीक है। वो कहने लगे, हम बेवकूफ़
आज एक जोत का जन्म होया। अच्छा। जो बहुत बड़ी जोत होगी। ठीक है। और वो एक ऐसी चीज बनावांगे कि उसको दुनिया पूजेगी। अच्छा। खराब उन्नू जी चार पांच दिन के बाद एक कपड़ा नीचे बिछा दिया, चारों कोने पर चार आदमी बिठा लिए, बीच में आप बैठ गए, कहने लगे जवान पटना पचा। अच्छा। वो चादर उठ गई, वो पटना पहुंच गए। ये वहाँ वो तीन दिन तक के खाते रहे। अच्छा। उन्होंने दर्शन न करामा गुरु गोबिंद सिंह जो पिताजी थे, फिर उन्होंने तीन दिन के बाद पता लग गया। वो जो उनसे सिपाही सिपूही के अंदर चल आया, साथ आए के दर्शन देखने वास्ता, उन्हें पता लगा वो कहाँ बेवकूफ हो, तुम उन्हें अंदर आड़ दो। अच्छा। वो ये अंदर गए, यानी सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह के दर्शन करने वाले ये बीकम शाह। बीकम शाह जी, वाह जी वाह, कमाल है। इन्होंने दर्शन करे। हाँ। इन्होंने फिर शर्त रखी अपनी। अच्छा। हम तो तीन दिनों इधर के खे रहे यहाँ। हाँ। उनके पिताजी ने फिर अपनी जो किला था, हवेली थी उनकी, उसके पास जमीन दी। बीकम शाह के नाम से आज मस्जिद है वहाँ, वो बनी हुई, उस पर लिखे हुआ बाकायदा बीकम शाह मजाठस का मस्जिद किला करनाल। अच्छा, वाह। इसे जन जी, उस टाइम एक यहाँ इस गांव में एक बंदा था जिसके पास एक 1000 का नोट था, इसलिए उसको हजारा कहा जाता था, ऐसा कुछ कहानी सुनी थी? नहीं, वो बात ऐसी थी। हाँ जी। वो कोई जमीन जमून गाँव में मकान लगे ना बना बनी उसी पाड़न लगे थे, तो उसमें तो कोई भांडा पाया था उन्होंने। ठीक है। उसमें 1000 रुपये चांदी के निकले थे। अच्छा। तो उस दिन तो उनका नाम हजारी जी रखा गया, 2000 आए तो क्यों 1000 रुपये उस वक्त कहाँ थे, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी थी। फिर उसी खानदान में। हाँ। उसी घर में। हाँ। ये मौलवी बख्श जी का जन्म हुआ। अच्छा, ये कौन सा खानदान था? ये यही सूफी वाला खानदान, सूफी वाला खानदान था इनकी। आज वो जमीन 16 किले 16 बीघे जमीन बना, 16 बीघे में डंगरों की और बैठने की तीन मंजिली कोठी थी इनकी, हवेली थी। हाँ। हाँ, जो टूट गई, उसकी भी नहीं रही, निशानी भी नहीं रही। इस हवेली का जिक्र आज भी ईद। हाँ। आज राणा साध साहब हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, उनकी वजह से आज हम इस गांव में बैठे हैं। उनका पोतरा पड़पोतरा है जो अमारती क्या करे, भाई हमारी हवेली थी वो, आप देख लो, हम यहाँ आए तो मेरा बेटा टूट लियो। तो पहले वो अब्दुल हमीद जी है ना, वो है ना मौलवी रहीम बख्श सिंह जी, उनकी 3 शादियाँ हुई। ठीक है। उसके पास कोई बच्चा नहीं था। ठीक है। तो ये सूफी जो अब्दुल हमीद जो था, ये भतीजा था इसका। अच्छा। तो ये इसको साथ रखने लग गया, तो वो उनका ध्यान तो गया, फिर ये MLA बने। अच्छा। MLA बनने के बाद जी फिर ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग आएगी, पार्टियाँ आएगी। बिल्कुल जी। फिर ये ज़िला अम्बाड़े में जिन्हें मुस्लिम लीग का टिकट मिला। अच्छा। सूफी जी। फिर ये वहाँ से ज़िले अम्बाड़े से MLA बने, फिर ये लेबर मिनिस्टर बन गया था। अच्छा, तभी वो कहते हैं हम उस टाइम बड़े आदमी थे। अच्छा जी, बहुत उनके मुकाबले का हमारे इलाके में आदमी था ही कोई नहीं। अच्छा। क्यों, उसके पास 3 लड़के थे। ठीक है। उसका नाम तो सूफी अब्दुल हमीद था, इसके लड़के का बड़े का नाम वहीद था। अच्छा। वहीद, रशीद, मजीद, 3 लड़के थे इसके। अच्छा। तो इनके एक कोठी से बात थी, एक करण वहाँ थी लाहौर। अच्छा, लाहौर में थी। ठीक है। रियासत बहावलपुर में उस जमाने में 3 मरबे जमीन थी इनकी। अच्छा। 4 साल सूफी का जो चाचा था ना, वो मौलवी रहीम बख्श, 4 साल उसने रियासत बहावलपुर का राज कराया। वाह। क्यों, वो बच्चे कम उम्र के थे उसके, उनका बाप मर गया, और ये उस वक्त वहाँ के लड़की का काम कर रहा था। ठीक ठीक ठीक।
वो जो उसके घर वाली थी उसने कहा भी मेरी बागडोर रियासत की किस बात करते हो, कहा जाए जो बाहर का आदमी क्यों दे। बिल्कुल। वो कहने लगी ये शख्स एक ईमानदार है जो मेरी रियासत को संभाल कर रखा गया, 5 साल राज करके जी वो तो लड़के उम्र वाले हो गए वाले बच्चे संभाल लो थोड़ी। उन्होंने फिर सिफारिश करी अंग्रेजा के पास, अंग्रेजा ने फिर इसने सर का खिताब दिया मौलवी सर रहीम बख्श के सी आई। हाँ, फिर इसने अस्पताल बनवाया, यानी उस आप ये समझो जी 20-20 मील के एरिए में हमारा गांव फर्स्ट था। वाह जी वाह। अच्छा, दो तो अस्पताल डाक अरोजानी अरोजानी। और आप ये बटवा रहे थे पहले 70 साल पुरानी बात बताने लग रहे हो। वाह जी वाह। दो अस्पताल डंगरा का भी आदमिया का भी डाक अरो से बात जानी से बात शाम को आनी। वाह। अच्छा, ये जो सड़क बनी है ना ये इशार, हम इशार से है समझो इधर, ये उसी मौलवी जी की छोटू राम की पास करवाई। अच्छा, सर छोटू राम। सर छोटू राम। हाँ सर छोटू राम और वो इकट्ठे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। एक कैबिनेट के मेंबर थे। ये नहर और यह सड़क उनकी मंजूर करवाई हुई। अच्छा, मतलब इस नहर और इस सड़क के बीच में कहीं ना कहीं सर छोटू राम जो कि हिंदू थे और अपने ये वो मुसलमान थे, और इस सड़क पर कमाल है कि दो मजहब का प्यार मोहब्बत उस पर आज भी वो है। कमाल है। और वो कोठी जन की ऐसी थी जी, जो कमरा और था ना वो तीसरी मंजिल में था। तीसरी मंजिल में वो जिस दिन डीसी या कोई और बड़ा अफसर आवा तो उस दिन खुला दे। ठीक है। वैसे तहसीलदार नीचा अलग, पटवारी अलग, और वैसे चाहे एक हर रोज हर 8वें दिन यानी जुम्मे वाले दिन, क्यों जुम्मे ने मुसलमान अच्छा समझा। जी जी, आज भी अच्छा समझा। हाँ, तो सिविल पंचायत थी उस वक्त, हर 8वें दिन मीटिंग होती। अच्छा। और वो फैज मोहम्मद जो मास्टर था ना वो सेक्रेटरी था। वाह। उसका लड़का हमारे साथ था, मैंने नाम लिखवाया अब्दुल्ला उसका। हाँ, अब्दुल्ला आपने नाम बताया। हाँ, वो लड़का आपने बताया भाई सर छोटू राम और उनका इकट्ठा कंट्रीब्यूशन था, उनका इकट्ठा संयोग था। सर छोटू राम यहाँ आया करते? ना नहीं, यहाँ तो कभी नहीं आया। ठीक ठीक ठीक। आपने देखा है वैसे उनका? छोटू राम ना फोटो देखे। फोटो देखे है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई उस टाइम कोई बड़ा आदमी आया हो? बस वो आपको मैं बता रहा ना, मुगलिया खानदान। मुगलिया खानदान के। हाँ, वो आए। हाँ, आपके रहते कोई आया हो यहाँ पे? ऐसा तो देखो जी डीसी डूसी ये तो ये तो चलता ही रहता है, लेकिन हमारे जमाने में तो कोई मिनिस्टर मिनिस्टर तो कोई आया नहीं। यहाँ चलो आप खुद ये सारी बातें पे मिट्टी डालो, यो बताओ उस टाइम दो ही तरह के ज्यादा लोग थे, हिंदू और मुसलमान। मुसलमान दो ही थे। अब इन दोनों में प्यार मोहब्बत कितनी थी वो जरा बताओ। ये मैं आपसे बताऊं जी, देखो ये सरदार आएगी 70 साल हुए अंबर से रहे हैं। हाँ, है? लेकिन नहीं, जो मोहब्बत प्यार उनका था इनका नहीं है। ये बात मैंने भी सुनी है। यानी वो इतने थे, फर्ज करो मेरे दादे का और आपके दादे का प्यार आना, वो मर गए, मैं उनका पोता हूँ, वो फिर भी नहीं कहा था नहीं नहीं हमारे प्यारे का पोता। ये बात को खाली नहीं जान देना। इतना प्यार था, इतना प्यार था, ये इतना प्यार नहीं कर सकते। कौन? ये लोग जो पाकिस्तान से आए ना, जो पाकिस्तान से आए। मुसलमान जरूर थे लेकिन जो यहाँ से गए हैं वो बड़े प्यारे आदमी थे। प्यारे आदमी वो मानो खुद कहा थे भी चलो सब कहीं छोड़े आवा, यहाँ बुरे आदमी आवागे वो आदमी में काट का खा ले। सही बात करो। हम कहाँ जा सकते हैं? बिल्कुल गरीब आदमी थे हम। नहीं जी आप। अच्छा, मैं वो जिस आदमी को मैं कहूँगा बुलाने को बुला लूँ? हाँ, बुला लूँ। अभी रुक जाओ थोड़ी बात और कर लें। कर ले। शुरू किस तरह हुआ वो सारा दंगा फसाद?
यहाँ पे कुछ होया, मारकाट हुई यहाँ पे, किस तरह से गए लोग, ये कहानी जरा समझाओ। यहाँ पार्टी भी बड़ी तकड़ी थी मुस्लिम लीग की बनी हुई। अच्छा, बड़ी तकड़ी, क्यों? यहाँ का तो हड साहब ठीक है और वो साहब मेले झगड़ा पाकिस्तान में, यहाँ कणका कट रही थी और पाकिस्तान में झगड़ा हो गया था। अच्छा, ये बात कद की है? ये सन 47 में, 47 का महीना कोई याद है? मार्च अप्रैल, ये मेरे ख्याल जी अप्रैल मई की ये बात है। खबर आनी शुरू हो गई थी रेडियो रेडियो से, याद करते रेडियो दो थे, एक तो वहाँ सूफी जी की कोठी में था लगे। अच्छा, एक वो मीरा जी है ना, एक वहाँ था। अच्छा, खबर आए करा थे आज इतने हिंदू मार दिए, इतने हिंदू मार दिए, और ये बड़े खुश हुए करा थे यहाँ वाले मुसलमान। अच्छा, तो वो जो सूफी था उसने फिर एक दिन कहा गाँव इकट्ठा करके छह आदमी, उसने कहा खुश थम ना हो, मुसीबत तो सारे पर भी पड़ने वाली है। उनका जलास शुरू हो गया। अच्छा, तो उस वक्त सर सिकंदर रियात का चीफ मिनिस्टर था। अच्छा, सर सिकंदर रियात एक खिजर रियात टवाना तो वो थे, वो वहाँ गया ना जी, वहाँ हालात खराब हो गए और। अच्छा, वो वहीं रुक गया, आ नहीं सके यहाँ फिर। अच्छा, उस वहाँ जी एक रोशन लाल, मेरा नाम याद है उसका, रोशन लाल डीसी था ठीक है, उसका तबादला करनाल हो गया ठीक है। सूफी जी ने उसके साथ बात करी। अच्छा, बेचता करनाल जा रहा मेरे जिले में और मेरा गांव वहाँ ठसका मिला जी, मेरे गांव नहीं हिफाजत के साथ ठाई है, दंगा फसाद नहीं, दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। उसने कहा जी फिर आप मेरा परिवार सही सलामत करनाल भेज दें। ओह वाह वाह वाह, वो वहाँ थी उसका परिवार? उसका तो वहीं था, हाँ, लाहौर में। उसने कहा सूफी जी ने भी मिलिट्री मेरी, मैं भेजूँगा। अच्छा वाह, चार रकम उसका सामान, बच्चे लाद का, मिलिट्री के 25 आदमी साथ दिए, वाह, करनाल छोड़ कर गए। करनाल छोड़ कर गए जी तो आगे वो तो रोशन लाल का परिवार, हाँ, रोशन लाल का परिवार, लेकिन रोशन लाल ने अपने दिल में रखी वो बात। अच्छा, मैं वादा करया, हाँ, भी परमात्मा मेरे वादा पूरा करा बिल्कुल। तो गांव का नाम मशहूर ज़्यादा था, इस गांव का, इस गांव का, हाँ। आस पास के लोग यहाँ आए गए। अच्छा, इतनी गांव की आबादी थी जितनी बाहर के आए गए, ठीक है, बचने वास्ते, बचने वास्ते, ब्याड़ लेने वास्ते, हाँ, गाँव के चार चपेरे से फसल काट दी। अच्छा, इतनी दुनिया थी। एक मछरौली, मछरौली गाँव अखरिंड, हाँ, मछरौली है, वो बड़े बदमाश थे मुसलमान, ठीक है, वो तो बजाय पर जाने के रूढ़ आए गए। अच्छा, रात नू पेगा पास छः लुट करो गाँव, ठीक है, वहाँ से मैं तीन तीन लड़कियाँ ठाई ली। ओहो, अच्छा, तीन दिमाग के, एक सुजन से बड़े ले गए, एक वहाँ से मछरौली रख ली और एक रस्ते में मार ली। अच्छा, वो बात गई खुल, हाँ, खुलेगी वो तो बात, ठीक है। तो यहाँ डर गया, मिलिट्री भेज दो उसको, उन्हें फूक दिया। अच्छा, तो मिलिट्री से बात आई गई जी। अच्छा, और रात न, रोज रात न 12 घोड़िया इनकी पटियाला अम्बाला जमसे शहर शहर पास लगा दे, हाँ, घोड़िया ऐसी थी जी जमसे रेल के साथ मुकाबला कर रही, इतनी तेज भाग करती। अच्छा, वो घोड़िया रात में वहाँ से पता लेगा सुबह यहाँ दे 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 आ लिया करती। वाह, मिलिट्री से बात आई और गोरखा मिलिट्री, हाँ, और खचरा उनके पास बड़ी बड़ी और वो लाद रखा उन्होंने सारा बरूद बरादर वहाँ से चली मिलिट्री और यहाँ पता आ गया तो मिलिट्री आएगी। अच्छा, और जो रोशन लाल डीसी था ना, और मिलिट्री के साथ चले जी फिर से बात थे। अच्छा, अपना फर्जन बने वास्ता, देखो वचन नहीं बने वास्ते, उसने उसका परिवार सही सलामत लाया था, उसने जी उस जो उनका अफसर था उसके साथ बात करी। तो कौन था परा उन रोक ली मिलिट्री, रोक ली मिलिट्री
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਾ ਮੈਂ ਛੇਹੋ ਛੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਛੇਹੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ 20,000 ਦੇ ਦਿਆ ਲੈ ਜੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਉਠਾ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਪਸਲ ਦੇ ਦੇ ਦਿਆ ਠੀਕ ਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜਾਣਾ ਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਸ ਔਰ ਗਾਂਵ ਕੇ ਸਪੇਰੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਛਾ ਕਿਤਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨ ਕੁ ਥੀ ਜੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਥੇ ਆਦਮੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਂਵ ਤੇ ਗੁੰਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਧੁੱਪ ਲਗਾ ਦੀ ਧੁੱਪ ਲਗਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਗਾਂਵ ਵਾਲਾ ਜਲਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਫੁੱਕਾ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਰੋਸਨ ਲਾਲ ਡੀ ਸੀ ਸੰਜੋ ਆ ਪੈਰੇ ਹੋਇਆ ਗਿਲ ਗਿਲ ਪੀਆ ਕਈ ਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਠਾਈ ਲਈ ਸਮਾਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਸਤੌਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਕੜੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਤੋ ਜਿਸ ਵਕਤ 5 ਵਜੇ ਨਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਅਰੇ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਲੜਕੀਆਂ ਲੰਘੀ ਓਹੋ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਆ ਮਿਲਟਰੀ ਕੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਾਂਵ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਸੇ ਹਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ ਔਰ ਇਹ ਬਾਤ ਕਦ ਕੀ ਹੋਈ ਕੌਣ ਸਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ये जो आवान आए शराद शराद आवे हाँ शराद जुलाई में नहीं जी सितंबर में अच्छा शराद की मस्या थी जी दिन मारा गाँव उठा मेरे याद है अच्छा पर उनके गड्ढे 8-10 दिन पहले लदे खड़े थे सामान के गड्ढे पहले भर के रख लिए थे भाई जाना तो है ही ठीक है हेर बाबू जी किसी की तवे पर रोटी पड़ी किसी के चूल्हे पर पड़ी निकल गए वो औरतें जो किन कल गए गली नहीं देखी थी वो यहाँ बाबू जी कच्ची गलियाँ जी थी तेने गारे में बरसात थी हाँ निकली है यहाँ मनु पता जैसा टाइम वो देखा मन फिर वो चले गए यहाँ 2 महीने से बाद मार पड़ने में पड़े रहे कौन मुसलमान अरे से जाके उड़े पड़े रहे सुबह 2 महीने के बाद रेल मिली यहाँ से जाए पीछे 2 महीने शाबाद पड़े रहे शाबाद पड़े रहे वो कारण क्या बने हाँ वो जो रोशनलाल डीसी था ना हाँ उसकी ड्यूटी परले साइड में लगी करनाल परले गांव जो करनाल के पास करनाल के पास और गांव थे वो मजबूर हो गया वो आ ना सका यहाँ से अच्छा उसने कोशिश जरूर करी हाँ करी होगी पर लेकिन नहीं वो परला जगह इलाका ठाया उसने 2 महीने के बाद अब आया तीसरे दिन गड्डी मंगवाई थी अच्छा स्पेशल मिलिट्री इलाका गड्डी में सारा ये गाँव बैठा कर चलते कर दिए फिर भी उसने अपने 5 आदमी पर जगह गड्डी की चिट्ठी लिख कर दी बाकायदा भी सूफी जी को मिलना ठीक है अरे यो 2 महीने वो यहाँ नहीं आया उसकी रोक के रखा उसके ऊपर कौन था बस ये तो मैंने पता नहीं जाना जी भी क्या कारण था पर 2 महीने पड़े रहे वो और वो 2 महीने उड़े पड़े रहे और उन 2 महीने में यहाँ पर के हाल थे सारे मुस्लिम निकल लिए थे सब चले गए थे यहाँ तो ये इतना मुसलमान नहीं था इतना हमारे गाँव में अंदर और जो आप कहो थे ना कि वो लुगाई देखी थी वो कौन सी थी हिंदू की या मुस्लिम की हिंदुओं के 2 लड़कियाँ थी उसमें 4 मुसलमान ना का चला दो 2 मच्छरबल्ली गए थे अच्छा और 2 जन से गए थे अच्छा वो तो फिर मेरा ख्याल साल रहे करनाल जेल में अच्छा केस को चलिया फिर गए वो 2 साल के बाद बहुत बुरा टाइम देखे बिल्कुल हमारी बरादरी के 10 आदमी रात में अपने मल्ले का पैरा दिए करते अच्छा क्यों मन में इनसे डर लगा था ये तो मल्ले रखा दे कृपन्ना रखा दे हमारे पास कुछ भी नहीं था हाँ सही बात है अपने सिर्फ मन आसरा सा थाने का थाना यहाँ था थाने बड़े भी सुबह रात में चक्कर मारा थे
तो आप जैसे कितने परिवार थे जो सही सलामत रह गए? मुसलमान ना हमारे, हाँ उस वक्त तो हमारे 48 घर थे, 2 गुट 50 और ये भी 48 ही हैं ना जी, ये तो 250 ही रहे हैं। अच्छा ये बाकी करते आए भाई ना? अच्छा इनके ही बढ़ लिए, इनके ही बढ़ गए। एक बूढ़ा था नाम था उसका नाम, उसके पास 7 लड़के थे, ये 7 के आजम नुगिना नब्बे बानवे तो उसी के हो गए ना। फिर आप बताओ ना कि भाई वो 2 महीने वो जिस तरह की वो इतने इतने गारे की मिट्टी थी और हमने वो औरतें देखी जो कभी गलियां नहीं देखी थी, वो की था वो बताओ जरा। बस वो वहाँ चले गए ना, वहाँ से वहाँ मिलिट्री पैरा दे थे, नुकसान नहीं होने दे थे तो वहाँ तो वहाँ चले उनसे मातर थे ना गरीब। एक दिन रात में आए मैं 5 आदमी मुसलमान वहाँ थे, ठीक है तो मन रखे मैं। अच्छा ये साड़ियाँ के घर आई यहीं हमारे पास, इनके मकान मालिकों का रखे, रोटी भी खिलाई इनसे, फिर 5 गधे पकड़े। अच्छा उनके घूमना माँ आटा दाना बरखा, फिर रात में भेजे से बाद। अच्छा उसके बाद चले गए वहाँ, फिर मेरे ख्याल 8-10 महीने के बाद सूफी आया यहाँ। अच्छा सूफी जी आया, ये कुरडी गाँव वहाँ, कुरडी गाँव का एक नंबरदार था सुजेल, जिस वक्त वहाँ गए ना कोठी पर, न्यू गली थी गुड़ी पर, न्यू ऊपर ने देखा ना तीसरी मंजिल में जी, वो तो नगाह पड़ी ताकियाँ टूट रही थी। वो उस गेल जोर लाया, उसने पानी मिल गया, चला गया वापिस, मैंने छेड़ो ना। हाँ जो वेली बनाई थी तोड़ दी, तीसरी मंजिल तोड़ी थी, सारी टूट गई थी, मैं फिर तो उठाई भी नहीं, ठहरे नहीं, चले गए। उस पीछे मुड़ के नहीं आया ना, उसके पीछे नहीं बाद में कोई आए और आया मुसलमान एक दो। जो यहाँ से चले गए थे वो वापस कदे आए फिर मिला? हाँ आए। कौन आया? वो 2 आदमी थे एक दफ़ा आए, वो अपने लाल चुवास आए, वो चंदी के रुपये दाब गए थे। हाँ तो बाप तो उसका मर गया, गोड़ी गाड़ी की खुल रही थी, ये कतरी बैठ गए मकाना माँ का, वो खुली खाली पड़ दी, वो छोकरे के दिमाग में वो खुल रही नहीं आई भी खुली कहाँ थी गोड़ी की, वो चले गए बेचारा धक्के का। ठीक है फिर वो कतरिया ने पाई के पास। अच्छा उन्हें मकान मकान दे डे ना। हाँ पाई के पास आज करोड़पति है बंदर नहीं भाई, सोना था चांदी थी बनी थी फिर करोड़पति हो गए। अच्छा और ये कितने साल की बात है? कितने साल पहले? 50 साल 50-51 की बात है। अच्छा 3 साल बाद ही मिल गए थे। और अच्छा ये तो अमीर भी बेचारे थे गरीब भी बेचारे थे, फिर और भी तो घने ही घर थे जिन जो दाब के गए होंगे ना। अच्छा ऐसे घर थोड़े थे। वो तो पढ़े लिखे आदमी बहुत थे, फारूट थे लोग बहुत, पर में ज्यादा बहुत ज्यादा नौकर थे रियासत बहलपुर में। हाँ रियासत बहलपुर। अच्छा और 5-6 घर तो पहली जमीन अंग्रेजों ने मुक्त मुरबे दिए थे ना वहाँ से। अच्छा वो 5-6 घर उस राणा जी के कहने से वहाँ ले लिए थे। कमाल है। ये सूफी जो था ना MLA, इसका बाप जज था वहाँ रियासत बहलपुर। अच्छा वो मोतिया वाला राजा कहे करते उसे, मोतिया वाला राजा। अच्छा पैदल आना सुबह 13 पैदल जाना इतनी दूर? हाँ मैंने कहा था परमात्मा ने पैर दे रखे। घोड़ा भी नहीं है, ऊंट भी नहीं, कुछ भी नहीं। और बावलपुर रियासत तो घनी दूर है। शाहबाद तक पैदल? अच्छा शाहबाद तक पैदल, ठीक है शाहबाद रेल में बैठे। ठीक है। हाँ तो शाहबाद भी कमाल है। कोई कत्ल का केस हुआ बावलपुर में। अच्छा मारने वाला ने मार भी दिया और पर्चा भी नहीं कर दिया पैसे देख। अच्छा तो जज के पास केस लग गया, किसी आदमी ने आप जैसे बताया अभी हम इस जज ने मिले बहुत अल्लाह लोग।
चेक नंबर 48 है उनका। कित बावलपुर, बावलपुर में ना। खास बावलपुर में। हाँ खास बावलपुर, बावलपुर से 5 मील बताऊंगा। चेक नंबर 48 भावलपुर, मेरे बहुत सारे बंदे बैठे हैं। और क्या नाम बताया? मोती में सूफी जी, सूफी अब्दुल हमीद, मोतियों वाले। मोतियों वाले, मोतियों वाले तो उसका बाप था, उसका नाम का तो पता नहीं क्या। अच्छा, यानी सूफी एमएलए है ना। इनके इनके पिताजी थे वो मोतियों वाला राजा का। मोतियों वाला राजा, उसका फार्म है। ठीक है ठीक है, 48 चक में उनका फार्म है। ठीक है, मिल जाएगा वो जी। बाढ़ लग रहा कर, लकड़ियाँ लग रहा कर, खींच के चार छपेरा। और वो गए बोले खान जी मन मोती हमारे राजे से मिलना। हाँ इंशाल्लाह आओ, आओ भाई आओ, मिलागा आप, मैं बुला दूंगा। जो जाकर दो मंजे गेट दिए, यहाँ बैठ जाओ, मैं जाऊँ बुला कर। पर गया कोठी कट्ठी में, कपड़े कुपड़े बदल कर फिर आ गया। अच्छा, हम वही हूँ भाई। अच्छा, घबराओ ना। होगा जी आप राजे हैं, जा काम करें। यह परमात्मा का आदि है। हाँ, कोई जज मैं अदालत में हूँ, यहाँ थोड़ी हूँ। हाँ, यहाँ मैं काम करूँगा थोड़ा। उन्होंने दास्तान सुनाई, होगा आप झूठ ना बोलिए मेरे पास। ठीक है, गाँव को सब बताया गया। उसने कहा अच्छा, और जी आप जैसे आदमी ले गए उसी गाँव में पहुँच गया। अच्छा, जाकर मैच में बैठ गए। कहाँ से आए भाई? रात को रात काटनी मान लो, तो दो बिस्तरे दे दो, चार रोटियां दे दो। बैठ गए, रात में पता लग गया ना ऐसे चक्कर से मैं पाए। वाह यार, मन सुनिया यहाँ एक कतल होया था। अच्छा, एक जना कहने लग गया उछल से, आओ जी सौरा मन मारा था, दी चौदह मन मारा था। फिर मारे वो पैसे बतेरे थे, अपने फलाने ने इतने पैसे दिए, फलाने ने निगा साले का पर्चा करवाया। अच्छा, वही अंदर और जज पर लग रहा केस, कह दो वकील। अच्छा भाई चलो, रात काट ली, तड़की उठ ली, अल्लाह से डी आ आई गई। अच्छा, अदालत कर कुरका जी, एसपी डीएसपी थानेदार बुलाए लिए सारे। निकाल डंडा निंदर लिया, निकाल यहाँ से डंडा देख लियो। अरे यार ईमानदारी पर आ जाओ। ओके ईमानदार, निकाल ऐसे ऐसे बात है, क्यों करे इनका पर्चा, पैसे लिए थे हमने, एसपी का जी लिए, उन्होंने पता था भी रगड़ा के दर। उसने कहा दोबारा पर्चा करो, इंक्वायरी करो दोबारा। वाह, ईमानदारी थी उस टाइम पे। दोबारा इंक्वायरी करी, वही गिरफ्तार करे, वहाँ बाहर कर दे। वाह, वो तो ईमानदार। अच्छा, उस टाइम जिस तरह हिंदुस्तान गुलाम था सब, ठीक है, अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज के अफसर भी अड़े आया करते कदे कदे। हाँ जी, अच्छा, टोपिया वाले देखे मन, टोप रखा। हाँ हाँ, टोप रखे थे। एक वो करा थी ब्रिजिस। हाँ, वो इतने तक की पैंट थी, यहाँ तक पैंट, यहाँ से खुली सी हुआ थी वो भी देखे मन, घोड़े पर आया करते। हाँ, जब कारा कोर तो कहाँ थी, शहरा में थी कारा, तो यहाँ घोड़े में देखे मन। अच्छा, वो आया करते, आया करते थे, गए थे कहा डी सी या ये पुलिस कप्तान देखे अंग्रेज। तो खौफ तो नहीं था उनते ना, या डरा से थे लोग, पर देख कर मैं बढ़ जाता। पर सब गोरे बड़े थे। गोरे तो थे, गोरे तो आज भी हैं। इस करके तो उनते आज भी हम गोरे का हूँ। गोरियाँ का राज था, गोरियाँ का राज था। तो चाय मंगाऊंगा आपके पास। बस हम ये बातचीत खत्म कराएंगे, बस आखिरी बात ये बताओ, कौन सा ऐसा दोस्त है जो आज भी याद आवे? महाराज मारा आठवीं का मास्टर भी था जी, वही फैज मोहम्मद। उसका लड़का था अताउल्ला। अच्छा, वो था हमारा जी। अच्छा, वो याद आवे? याद तो आवाज ऐसी बात नहीं। और एक चीज और थी, उसका 8 दिन पहले ब्याह था, मेरा 8 दिन पीछे ब्याह था। अच्छा, 47 में
संताली में शादी हमारी इकट्ठी हुई थी और उसका 8 दिन पहले था, मेरा 8 दिन बाद था। कपड़ा जो वो दिल्ली से ले आए ना, वो थोड़ा कपड़े की बड़ी बात थी, तो मेरे बाप ने मुझसे मास्टर दिखाई दिया। फिर भी हमारा बहनों का कोई बात नहीं, मेरी बहू के 2 सूट, एक मेरा सूट, और मास्टर वहीं चले आया। पैसे तो दिए मेरे पापा ने उसको, लेकिन चिट्ठी पत्री कदे नहीं आई फिर उसकी? हाँ चिट्ठी तो आई उसके मास्टर की, तो उसके तबले की तो आई है चिट्ठी एक दो दफा, जो आपका जमाती था। जमाती था, उसके बाद उसका लड़का बिहार गया था वहाँ जाकर। अच्छा, बस पता नहीं क्या बात हुई, उसके बाद बेचारा मर गया। कहाँ रहा करता वो? था जी शहर सुल्तान, शहर सुल्तान, लेकिन जिला, जिला तो मेरे ख्याल उनका शायद पता नहीं। सोचो आप मेरे को बताओ जिला, और उसके बालक मिल जाएंगे अपने थी। उसके 3 नाम थे जी, जफरुल्ला, अताउल्ला, सनाउल्ला, तीन ही भाई थे। ये 3 भाई थे, और इनका बाप फैज मोहम्मद मास्टर था। फैज मोहम्मद मास्टर था, ये भी हो गया। अब ये वहाँ जाके कहाँ बसे वो जरा याद करो। बस ये बात है जी, शहर सुल्तान था मेरे आदर, जिला मेरे ख्याल का सरगोधा पड़ा उनका। सरगोधा, सरगोधे च मेरे बहुत सारे बंदे बैठे देखने वाले, वो जरूर लबणगे। हाँ, अताउल्ला खान। हाँ, तीसरा दूसरे नाम क्या बताया? दूसरा नाम लिखो जी, फजले हक। फजले हक अताउल्ला खान। हाँ, और तीसरा नाम बाप था? का नाम इसके गुलाम बास नंबरदार, जो आपको पढ़ाया करता मास्टर का। मास्टर तो फैज मोहम्मद का, फैज मोहम्मद का जो लड़का था अताउल्ला, जो आपका दोस्त था, जो आपको याद आ रहा है। ये भी फैज, ये जो फजले हक लिखवाया ना, ये भी लड़का मेरी जमाती, आपका जमाती था। तो ये कहाँ बस गया जो आपका जमाती मास्टर का छोरा था? सुल्तान, शहर सुल्तान, सरगोधा। आपके हिसाब से चिट्ठी आखिरी कब आई थी? इसी की उसकी जफरुल्ले की चिट्ठी आई है, मेरा ख्याल का 53 में आई चिट्ठी इसकी, शायद 53 के बाद कोई चिट्ठी नहीं आई। आज हो गए 65 साल। हाँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता 65 साल में आपने चिट्ठी संभाल के रखी होगी। ना जी, ना चिट्ठी कहाँ है, चिट्ठी कहाँ है। बस ये तो बहुत दूर दूर वाली बात हो रही है ना, कभी याद तो आ, वो चिट्ठी मिल जाती ना। हाँ, तो कुछ और बात थी चिट्ठी, तो मैं आज आपको आपका दोस्त मिलवा देता। अताउल्ला खान क्लास 8वीं में था। उसकी शादी आपसे 1 हफ्ता पहले हुई थी। हाँ, आपके 1 हफ्ते बाद। अच्छा, 5 मिनट है, उस आदमी को जरूर बिल्कुल, हम उस आदमी से भी मिलवाते हैं आपको। नहीं, मैं ले आऊँ बुलाकर उसमें। 1 मिनट आप मेरे साथ बैठो। मास्टर फैज मोहम्मद, हाँ जी, तेजदा लड़का अताउल्ला, अताउल्ला वो जड़ा इन्हों के नाल पढ़ता सी, वो ही याद आता है। 53 च उसकी आखिरी चिट्ठी आई है, लेकिन वो चिट्ठी आज शाम के नहीं रखी हुई, नहीं तो वो अताउल्ला जरूर मिल जाता। मैं रिक्वेस्ट करांगा वेखण वालियां नूं कि प्लीज़ हो सके तो शहर सुल्तान, वो कित्थे भी है मैं नहीं जानता, वो सरगोधा च है कित्थे है, इन्हां दस रहे ने कि सरगोधा च है, रब करे वो सरगोधा च ही होए तो शहर सुल्तान च, जे कोई बंदा वेखे या देखण वाले नूं कोई होर दसे, ए बंदे लभो यार, ए बंदे लभो। ये गुलाम अब्बास नंबरदार का परिवार, वो कोई उन्मत, गुलाम अब्बास नंबरदार का परिवार, बहुत याद कर रहे हैं बाबा जी। ईसर चंद इन्हों का नाँ है, पहले दस चुके ने इन्ह, तो अज इन गलों नू याद करके कह रहे हैं कि अज मेरे तो देने तो रोटी नहीं खाई जानी, बहुत याद आ रहे हैं। इस तरह की ही पता नहीं कितनी कहानियां दबी हुई हैं जिन्हों असी फरोलन की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने फरोलन का मकसद भी तुम जानते हो कि हाँ 70 साल हो गए, बंटवारा हो गया, सरहदां आ गईं, तारां खिंचियां गईं, लेकिन दोस्त पड़ोसी अज भी याद आते हैं। तो साड़ी कोशिश यही है कि एक बारी दोबारा जे हो सके तो उन्होंने मिलवाइए, पहले मिलवाया तो हौसला होर वधे कि यार होर भी तो मिलवा सकते हैं।
बस और कुछ नहीं कहूँगा, मैं खुद कुछ कह भी नहीं पा रहा मेरा मतलब, बस इसी तरह बस आज कुछ नहीं कहूँगा। सत श्री अकाल, राम राम, शब्बा खैर, सलाम अलैकुम।